वेलकम बैक टू चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, जैसे कि यू नो कि कल हम गए थे बागा बीच भी गए थे हम एंड कैलिंगवुड बीच भी गए थे। वहाँ पे बिल्कुल नाइट लाइफ मतलब एक तरीके का कुछ नहीं था। तो बागा में हम क्लब जा सकते थे बट हम गए नहीं। तो हम अपना वापसी वहीं पर थोड़ा अभी तक थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद वापसी हल्का फुल्का इंजॉय करके खा पी के अपना वापसी आते हैं। एंड आज का प्लान ये है, आज हम जा रहे हैं आरंभ बीच एंड एक दो और बीच जाएंगे जो आपको दिखाएंगे। और अभी ये दोनों तो सो रहे हैं, अब इनको उठाना सबसे बड़ा मेन टास्क है, वही इनको उठाते हैं। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, नीचे थोड़ी देर स्विमिंग पूल में नहाएंगे धोएंगे, देन उसके बाद सीधा निकलेंगे। चलो इन्हें पहले उठाते हैं एंड हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सीधा नीचे ब्रेकफास्ट करने वाली जगह पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं। ये ढीठ लोग इतनी देर से उठ नहीं रहे थे रूम से, सोने में लगे हुए हैं। ये घूमने नहीं आए, सोने आए हैं। और आते ही इनका देखो ये क्या स्टार्ट हो गया इनका। गाइस देख लो किसका स्टार्ट हुआ। मैं तो यार इजीली पूल में आ गया। मैं पता है 9:30 बजे नहीं, हाँ 9 बजे उठ गया था मैं और 9:30-10 बजे हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और मैंने और नवीन ने और ये ढीठ सोया का सोया रहा, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा क्या? तो भाई हम ब्रेकफास्ट करके आ भाई हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पे थे। ब्रेकफास्ट करके आ गए सीधा ऊपर, इसको उठा उठा के रखे, उठने को राजी नहीं था। तो गाइस अभी फिलहाल सीन है, आपको जाना गाइस इसके बाद तो देखते हैं अभी गाइस प्लान करते हैं और यहाँ से चलते हैं। अगोड़ा बीच है वहाँ तो जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ पे हम इंजॉय करते हैं और देखो आप पूरी बढ़िया है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी वैसे बहुत अच्छी है। तो मज़े कर रहे हैं हम पूरी चिल आउट। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अपने होटल से, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है बट हमें पता है, बट तो आज आपको एक सनसेट जरूर दिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छे वाला, एक अच्छे से ब्रिज पे जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सस्पेंस है, वहाँ पहुँच जाए फिर आपको दिखाते हैं। एंड स्कूटी अभी नवीन चला रहे हैं, शहरी आगे वाली स्कूटी पे। हमने प्रेफर ये करा कि दैट अभी हम स्कूटी लेते हैं रेदर देन गाड़ी, क्योंकि गाड़ी का हमारा यूज़ सिर्फ एक ही दिन है, तो गाड़ी में हमें घूमना पॉसिबल नहीं था। सो चलते हैं आगे की तरफ एंड दिखाते हैं आपको वो जो बीच है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है एंड मज़ा आने वाला है आपको। गाइस सीन अभी कुछ ऐसा है कि स्कूटी हमने ले ली है दूसरी, उसमें पेट्रोल नहीं था, तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट पेट्रोल पंप एंड देन वहाँ से पेट्रोल लगवाएंगे एंड उसके बाद हम वही बीच जा रहे हैं जो भी थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। और अगर थोड़ी वॉइस की डिस्टर्बेंस आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी तो चल रहे हैं दिखाते हैं आपको। सबसे अच्छा सनसेट गोवा का यहीं पे, आप चेक करना मॉर्निंग बीच है, आपको रिव्यूज 5 स्टार ही मिलेंगे और बाकी आपको शाम को पता लग जाएगा। तो गाइस हम आ तो गए और अभी इवन हम पार्किंग में, आप देख सकते हो ये पूरा पार्किंग है एरिया है। तो अभी हम यहीं खड़े हैं और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ बीच वाला सीन और सुनना मज़ेदार बहुत ही, और इसके तो ऑफिस ही नहीं खत्म हो रहा देखो। तो गाइस चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको एंड आपको सनसेट जरूर दिखाएंगे। बट यहाँ का जो सीन है यार सही में, यही इतनी दूर से मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो गाइस चलते हैं दिखाते हैं आपको, मज़ा आने वाला है आज, सच्ची बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। एज यू कैन सी देयर आर माउंटेंस ओवर देयर और यार बहुत मस्त फील आ रही है यार। एंड हियर इज द बीच ओवर हियर, तो चलो बीच की तरफ चलते हैं। एज यू कैन सी बहुत बहुत ही प्यारा है यार ये बीच, पहले भी आया था बट मैं इस मॉर्निंग बीच पे नहीं आया, फर्स्ट टाइम नाम से आया था 2 साल पहले, उसके बाद में गोवा नहीं आया आज जिन्होंने, उसके बाद कोविड भी आ गया ना, तो मैं आ जाऊँ और मतलब था कोशिश करी थी कि दैट यहाँ आ जाऊँ बट मैंने मिस कर दिया उस हफ्ते, मैंने मिस कर दिया। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर, अब डोंट नो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज
लेट्स सी एंड दिखाते हैं आपको एंड वेट कर रहे हैं मीन टू सनसेट का, सो विल शो यू एज सून एज पॉसिबल। जैसे भी अभी हम बहुत जल्दी आ चुके हैं बट कोई नहीं, एंड वो जो शायद का भी आ गया उसको देखना है। ये नॉर्थ गोवा ही है, थोड़ा एक्सटेंड पड़ता है बागा बीच से अराउंड 30 मिनट्स की ड्राइव है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का गोवा का सबसे बेस्ट सनसेट है और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70% इंटरनेशनल का होता है। बाकी यहाँ की वाइब्स एक बार ये रिकॉर्ड करेगा दिखाएगा तब पता लगेगा। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे रशियन है, यूक्रेनियन है, इंडियन अराउंड 10-20% ये ज़्यादा नहीं है। वाइज एज यू कैन सी जितने भी यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल क्राउड है इवन दे वो अपने पेट्स को भी लेके आए हैं, ये रहे वो अमेरिकन बुलडॉग एंड ये रहे पिटबुल। सो गाइस यहाँ का बहुत सॉर्टेड सीन है जैसा कि है यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत पीस है यहाँ पे। एंड अगर किसी ने आना है मैं रिकमेंड करूँगा सनसेट देखने तो यही बीच है। ये एक्चुअली इंडियन फ्लोरिडा है, मायामी, इंडियन मायामी। सो आई विल प्रेफर अगर आप आते हो यहाँ पे आओ, बट थोड़ा सा लिहाजत से क्या यहाँ पे अगर आप आओगे ना यहाँ पे बागा वाला वाइब है। बागा में क्या है, हर एक बंदा बागा जाता है, अंजुना वगैरह, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका नाम है मॉर्जिम। डिफरेंट नहीं, बहुत डिफरेंट है। ये वो वाली वाइब है जो इंडियंस को जब पता नहीं था गोवा में होता गया तब ऑलमोस्ट मैक्सिमम फॉरनर क्राउड ही होता था यहाँ पे, तो वहाँ पे अब वो चीज से यहाँ पे आ ये बात है। ये तो यहाँ पे सारा इंटरनेशनल क्राउड, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल एंड किड्स भी है देख रहे हो आप। और तो एक अलग लेवल का ही पीस है यार यहाँ पे। मैं कहूँगा कि आप आओ एक बार यहाँ पे देखो, इंजॉय करो एंड अभी हम भी इंजॉय करते हैं एंड सनसेट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हवा बहुत सारा तेज है तो शायद मे बी डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, आवाज ना आ रही हो, बट ठीक है थोड़ा सा ज़रा देख के। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, एंड अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस होप सो यू जस्ट लाइक जो टाइम लैप्स लगाया था आपको पसंद आया होगा। एंड अब हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि अब हमें पार्टी में जाना है, पार्टी का भी देखना है कितने बजे से, क्योंकि एज यू नो जैसा मैंने बताया था शैक पार्टी 10 बजे बिल्कुल बंद हो जाती है, वहाँ पे शैक्स में म्यूजिक नहीं चलता। आप शैक्स में जाके बैठ सकते हो बट वहाँ म्यूजिक नहीं चलेगा। व्लॉग के लास्ट में सब सारी डिटेल्स मैं दूंगा कि कौन से डे पे कहाँ पे कहाँ जाओ, कितने पैसे लगेंगे, किस टाइम पे जाओ और कैसे जाओ और कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने, और बीच में अगर कोई पुलिस वाला भी मिलता है तो वो भी बताए। बिकॉज हम गोवा आए हैं तो पियेंगे तो सही। ऑब्वियसली गाइस जो भी गोवा आता है ऑब्वियसली इंजॉय करने के लिए आता है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे एंड कौन से क्लब जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे आपको एंड क्या क्या मस्ती करते हैं आज वो सब दिखाएंगे। चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइस वी आर रेडी नाउ एंड अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से। ये भी है और ये रहे के पीछे नवीन पीछे चल रहा स्कूटी अपना चला रहा, मैं नहीं चला रहा क्योंकि मुझे ब्लॉग करना था। हाँ नहीं ब्लॉग नहीं करना था, नहीं बात कुछ हो रहा है। हाँ समझ सकते हो, हाँ समझ लो आप जो मर्जी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, जा कर रहे हैं क्रॉनिकल जा रहे हैं, टेक्नो पार्टी में जा रहे हैं। नो बॉलीवुड नाइट। हाँ तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। नो जाटा का छोरा। कोई नहीं चलो चलते हैं दिखाते हैं। एंड मोस्टली लोग यार पार्टीज नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम भी वही जा रहे हैं तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। चलो लेट्स गो।